रायता फैलाना है, मुझे भी गंध फैलाना है। किस तरह की गंध की बात करिए आप, क्लैरिफाई करिए आपका मतलब क्या गंध। हम तो सफाई अभियान से जुड़े लोग हैं, आपका गंध बिल्कुल। देखो एक साल भी पूरा हो गया वो वाली गंध। पाजी आप मुझे तो इसमें कुछ नहीं आया, वो वाली गंध, ये वाली गंध तो हमें पता। इसी बात पे कुछ लफ्ज गंध के ऊपर। गंध के ऊपर से What is your good name? Myself, Rashmi. क्या नाम है? और हमारा नाम सिमरन। बदल लीजिए, आपको सूट नहीं करता। आलिया, बैठ के बजाय से मांगने वाली लग रही तेरा। मैं बिल्ली हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कुत्ता हूँ, बट शायद रॉन्ग हो जाए। आपको तो पता पाजी, मैं बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। तू पैसे लेके भी कोई काम नहीं करता। रश्मि जी, ये बताइए कि आपको हमें सबसे अच्छा क्या लगा? आपकी दोस्त। इन पैरों को जमीन पे मत रखिए, मैले हो जाएंगे। तो ठीक है, आपके मुंह पे रख देती हूँ। कौन सी चक्की का आटा खाते हो गुरु? आपको आलू का पराठा खिलाना। लेकिन वो अगर वो मेरे पीछे पड़ गया तो? अरे किसकी हिम्मत है मेरे होते हुए तुम्हारे पीछे पड़ जाए। शर्मा जी, हम पहली बार देख रहे हैं पेट किसी और का खराब हो रहा है, लेकिन खेत में जाने की बातें कोई और ही कर रहा है। आप पिताजी के साथ सोते हैं? जी। आपकी शादी हुई? नो सर, मैरिड हूं। अभी नहीं हुई आपकी शादी? नहीं हुई। नो सर। तो पिताजी को तो सही जगह सोने दो, आप क्यों? हनीमून पे हम कहां जाएं? काम कर, तू एक जगह है, हाँ बाहर में जा। आप थोड़ा सा हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी? संभाल के करना, ये गुफ्त कम ही करता है ज्यादा। ये बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, कहा कि इतनी सी तकलीफ हुई बस। कैसे? अरे बस में इतनी सी कील निकली हुई थी। मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा शायद भाई, बहुत ही शानदार ट्रेलर है। थैंक यू। एक सीन में तो आप कमाल लग रही हैं। कौन सी सीन? जिसमें मूछ लगाई है। Oh. आप क्या समझ रही हैं? चलो गॉड ब्लेस यू। देख के खुश होते हैं। थीम मैरिजेस होती हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, उसमें लड़कियां घाघरा चोली पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। आपने जो मतलब रेंज दिखाई है, ऐसा क्या खास पहन लिया भाई? आप देखेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक तरफ आलिया ना मूछे लगा के डांस कर रही है, और दूसरी तरफ बिकनी। बहुत प्यार आ रहा था। आप बताइए कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे? जो प्यार से खिलाएंगी खा लेंगे। प्यार से अपनी बनियान खिला देगा तो खा लेंगी। आलिया के साथ एक ट्रेजेडी होती है हर फिल्म में। आलिया ने टू स्टेट्स की, उसमें इसके जो पापा थे वो इसकी शादी के खिलाफ थे। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया की, उसमें पापा शादी के खिलाफ थे। इस फिल्म में भी मैंने देख रहा हूँ शानदार में भी इसके पापा शादी के खिलाफ है। तुम थोड़े से और पैसे डाल के कोई अच्छे से फिल्मी पापा क्यों नहीं रख लेती? पर आपको लगता है आलिया आप अकेले रह केंगे और ये सब्जी वब्जी ये सब आप कर सकती हो? क्यों नहीं? हाँ, तो एक किलो प्याज कितने के होते हैं? दो किलो। अप्रोक्सीमेटली सात रुपए। नहीं, मैं प्याज जैसे खाती नहीं हूँ ज्यादा। बहुत कूल। वैसे आपसे एक पर्सनल बात करनी थी, तरह दो मिनट के लिए कोने में आएंगे? हट कुत्ते। हमारे परदादा जी, उनको एक बार मुगलई कबाब खाना था, उन्होंने मुगलों को भारत में बुला लिया, बाबर इसीलिए तो आया था। आपके दोस्त ना आपकी मूछों की बहुत तारीफ करते हैं। आपको अगर हमारी मूछें इतनी पसंद है तो आप घबराइए मत, शादी के बाद आपकी भी रखवा देंगे। मान लो मैं सब्जी वाला हूँ, सब्जी खरीदने आओ, चलो ओके। ये सब्जी ये आलू ले। भैया मुझे। भैया क्या बोनी खराब कर रहे हो सुबह सुबह? मैंने इनको कहा था 50-50 रुपए मिलेंगे। तो ठीक है, इनको पैसे दो, फटाफट निकलो चलो। मैंने कहा था मिलेंगे, मैं दूंगी थोड़ी, ये थोड़ी कहा था मैंने। अली एक बात बताओ, आप जिस भी एक्टर के साथ फिल्म करती हो, आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है उनके साथ। थैंक यू। ऐसा लगता है रियल के बॉयफ्रेंड है आपके। सबको क्या लगता है मेरा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है? नहीं हो रहा है क्या? आप हमारे लिए इतनी खूबसूरत, मतलब आप जैसा नल्ला आदमी हमारे लिए इतना बड़ा काम करेगा? पर चलो, आपको तो नींद ना आने का फायदा हो गया फिल्म में। हाँ, मैं बहुत घूमते घूमते आलिया मिल गई। आदमी खुद जैसा होता है, उसके साथ इंसिडेंट भी ऐसे होते हैं। शायद को नींद नहीं आ रही थी तो सामने भी आलिया मिली। मेरे को नींद नहीं आती ना, मैं खिड़की देखूं, बाहर ऑटो वाले अपनी नाभी में उंगली डाल के खारिज कर रहे होते हैं।